हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं रिचा शर्मा आज आपको हिंदी में क्रिया के बारे में समझाऊंगी। क्रिया के बारे में आपने अपने पहले की क्लासों में भी पढ़ा होगा कि क्रिया क्या होती है, यानी कि किसी काम का होना या करना, यानी कि इंग्लिश में जिसको आप बोलते हैं वर्ब। मीन्स जिन शब्दों से आपको ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे आप क्या कह रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सो रही हूँ। तो ये जो आप कोई काम कर रहे हो, यानी कि ये वैसे कुछ नहीं बता रहे आपको कि मैं अच्छी लड़की हूँ। जैसे आपने पहले चैप्टर पढ़ा था विशेषण में कि मेरे बाल सुंदर हैं, आसमान में बादल काले हैं, ये विशेषण नहीं है। अब ये आपको बता रहे हैं क्रिया, यानी कि किसी काम का होना या करना। जैसे बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इसका मतलब ये काम हो रहा है बारिश का। क्या बारिश हो रही है? सड़क पर कोई भी जो व्हीकल है वो चल रहे हैं, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं। तो जिन शब्दों से आपको किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो क्रिया शब्द होते हैं, यानी कि वर्ब। जैसे पढ़ना, खेलना, चलना आदि। जैसे आप अभी कहते हो कि हम क्या हैं, क्लास थर्ड में है ना आप, तो हम कक्षा तीसरी में पढ़ रहे हैं, यानी कि आप अभी पढ़ रहे हो। पढ़ना क्या है आपका? ये एक क्रिया है कि वर्ब है या एक्शन है, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक्शन क्या होता है। किसी जो भी आप कोई भी काम करते हो, या डूइंग वर्ड जो आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़े हैं, तो ऐसे ही आप उस फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पक्षी है वो आसमान में उड़ रहे हैं। तो क्या है ये, वो उड़ क्या रहे हैं? उड़ मतलब वो काम कर रहे हैं कोई। तो जो भी काम करने वाले शब्द होते हैं वो हमारे क्रिया शब्द होते हैं। हमें उन शब्दों से ये पता चलता है कि कोई क्या काम हो रहा है। मम्मी खाना बना रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, हम खेल रहे हैं, मैं सो रहा हूँ। तो ये सब शब्द जो है ये आपको किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, यानी कि आपको पता कराते हैं कि इस वाक्य में कोई काम हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, क्रिया है। अब स्टूडेंट देखो, ये कुछ उदाहरण है जिनको आप इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम्पल। तो हम इन एग्जाम्पल के वजह से समझेंगे कि जो हमारी क्रिया है वो किस किस रूप में हो सकती है, यानी कि जो शब्द आप बता रहे हो कि वो क्रिया के शब्द हैं, पर वो हमें जो शब्द हैं वो ये भी बताते हैं कि हमने वो काम कब किया था। राम स्कूल गया था। अभी गया जो शब्द है वो क्या है कि राम स्कूल गया था। आपने अपनी इंग्लिश में पढ़ा होगा गो, वेंट, गॉन। मतलब जाता है तो आप गो यूज़ करते हो, गया था वेंट, और जाएगा तो आप क्या बोलोगे, विल गो। तो वही बात इसमें भी है आपकी हिंदी ग्रामर में भी, कि जो हमारे कोई भी जो भी हमारे वर्ब है वो हम तीन तरह से बता सकते हैं, जो आप अभी इस सेंटेंस में समझोगे और फिर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी या समझाऊँगी। राम स्कूल गया था, यानी कि राम कहाँ गया था, स्कूल। गया मतलब वर्ब है कि वो स्कूल गया था। राम क्या हो गया? अब आपने अभी मैंने आपको नाउन पढ़ाई थी, यानी कि संज्ञा राम। स्कूल क्या हो गया आपका? स्कूल भी यहाँ पे संज्ञा है, क्योंकि प्लेस है आपका, यानी कि किसी जगह का नाम है, ठीक है। तो इसमें गया क्या हो गया, गया। अब ये देखिए था है, था से आपको पता चल रहा है कि राम पहले स्कूल गया था, यानी कि वो काम पहले हो चुका है। अब सेकंड सेंटेंस देखो, मछलियाँ तैर रही हैं, यानी कि अभी अभी मतलब एट प्रेजेंट तैर रही हैं मछलियाँ। क्या कर रही हैं? तैर रही हैं, मतलब अभी वो स्विमिंग। आप अपने कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ते हो ना अभी थर्ड क्लास में, कि कोई काम जो है वो आपका चल रहा है, यानी कि आईएनजी लगाते हो आप, स्विम प्लस आईएनजी। तो वही है आपका, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, यानी कि मछलियाँ जो आपकी
वो है, वो तैर रही हैं, कि आप जो तैरने तैरना शब्द है, जो आपका तैरना शब्द है उससे आपने बनाया है कि तैर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका जो वर्ब है यानी कि क्रिया जो है वो अभी हो रही है, काम कोई आपका हो रहा है। आप जो थर्ड सेंटेंस है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि काम हो चुका है? नहीं। काम हो रहा है? नहीं। जाऊंगा यानी कि काम होगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। फ्यूचर यानी कि मैं आने वाले समय में, जो आएगा समय, आया नहीं है, आएगा, तो तब मैं दिल्ली जाऊंगा यानी कि कल, यानी कि फ्यूचर। तो इससे आपको पता चला कि मैं ये काम फ्यूचर में यानी कि भविष्य में होएगा। अब गया था या जाऊंगा यानी कि जाने वाली बात हो गई, यहाँ तो पहले गया था और यहाँ बाद में जाएगा। तो ये दोनों शब्द क्या हो गए आपके, ये पहले के बता रहे हैं यानी कि भूतकाल, और ये आपके भविष्य को बता रहे हैं। ऐसे ही हम धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, हम मनाएंगे क्या दिवाली, कैसे? धूमधाम से। कब? वैन यानी कि जब दिवाली आएगी तो हम धूमधाम से मनाएंगे, यानी कि फ्यूचर में। अगर हम इसी सेंटेंस को लिख दें कि हमने धूमधाम से दिवाली, अगर मैं इसको रब कर दूं, इसको कट कर, हमने लिखा मनाई थी, यानी कि दिवाली बीत चुकी है और हमने, यानी कि पिछले साल लिख देते हैं, पिछले साल हमने पिछले साल धूमधाम से दिवाली मनाई थी। यानी अब ये सेंटेंस आपका क्या बता रहा है? पास्ट को बता रहा है, और पहले हमने क्या था कि हम मनाएंगे, तो वो फ्यूचर को बताएगा। तो आपके थोड़े सेंटेंस को जो आप है उनको चेंज करके आप उन सेंटेंस से ये बता सकते हो कि आपके जो भी क्रिया है वो उसका समय क्या है, यानी कि उसका काल क्या है, वो काम पहले हुआ था, अभी हो रहा है या भविष्य में होगा। तो ये क्रिया के इन उदाहरण से आपने समझा कि जो हमारा कोई काम है वो कब हो रहा है। तो मैं आपको अभी समझाऊंगी कि जो क्रिया के काल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब ये देखो, जो काल होता है, जो वर्ब है, वो तीन भागों में बटी होती है। जो भी आप क्रिया किसी के बारे में बताते हो, क्रिया के बारे में, तो क्रिया को हम तीन तरह से बता सकते हैं कि क्रिया को हम तीन रूप में या तीन इसके भेद होते हैं या काल होते हैं। जो भी क्रिया है वो तीन रूप में होती है। पहले तो होती है भूतकाल, फिर वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल वो होता है जिसमें कि कोई भी काम आपका हो चुका है। काम क्या है? काम हो चुका है यानी कि पहले हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अब थर्ड क्लास में हैं एट प्रेजेंट। पिछले साल हम कक्षा दूसरी में पढ़े थे, तो पिछले साल आप पढ़े थे यानी कि अब आप प्रेजेंट में इस टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, पिछले साल पढ़े थे, तो ये क्या हो गया आपका? भूतकाल। जैसे रिचा मैम हमारी क्या थी? क्लास टीचर थी, सेकंड क्लास में आपकी क्लास टीचर थी। अब आप थर्ड क्लास में हैं तो आपकी क्लास टीचर कौन है? ज्योति मैम। तो वो आपका प्रेजेंट हो गया, पर अब पिछले साल आपकी क्लास टीचर कौन थी? आपकी रिचा मैम थी, तो वो क्या है आपका? भूतकाल, ठीक है। तो ऐसे ही आप और सेंटेंस बता सकते हो कि मेरे बाल लंबे थे, पहले लंबे थे, अब नहीं है। अब क्या है? अब कैसे भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं या और लंबे हो सकते हैं, पर आप क्या बता रहे हो कि मेरे बाल लंबे थे। मेरे पास दो पेंसिल थी यानी कि पहले थी, अब नहीं, ठीक है। ऐसे ही मैंने कल रात आइसक्रीम खाई थी, तो आप पहले के बारे में बता रहे हो कि आपने, तो इन सब बातों में आपको क्या पता चल रहा है कि कोई काम आपका पहले हो चुका है यानी कि पास्ट यानी कि भूत का। तो ऐसे ही आपको मिक्स सेंटेंस मिलेंगे, उसमें आपको खुद देखना होगा, समझना होगा कि ये सेंटेंस भूतकाल के हैं, कि क्रिया भूतकाल में हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है, भविष्य में होगी। अब है आपका सेकंड है वर्तमान काल।
यानी कि प्रेजेंट, इंग्लिश में आपको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, यानी कि आपका कोई भी काम हो रहा है। जैसे प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कोरोना चल रहा है, आप स्कूल नहीं जा रहे हो रोज, और आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आप थर्ड क्लास में पढ़ रहे हो, ज्योति यादव मैम आपकी क्लास टीचर है, तो ये क्या है, प्रेजेंट में है। तो जो भी काम हमारा प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में हो रहा है या चल रहा है या आप रोज वो काम कर रहे हो, तो वो क्या है आपका वर्तमान काल। मैं दूध पी रहा हूँ, मम्मी खाना बना रही है, हम कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। अब देखो एक सेंटेंस है, मैं दिल्ली गया था यानी कि भूतकाल, मैं दिल्ली जा रहा हूँ यानी कि मैं अभी प्रेजेंट में जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जाऊँगा तो वो भविष्य। तो ऐसे ही आपको तीनों काल के बारे में इन सेंटेंस से पता चल जाएगा कि काम आपका कब हो रहा है यानी क्रिया आपकी कब हो रही है। तो ये हो गया आपका वर्तमान काल, यानी कि आप जो काम अभी कर रहे हो वो आपका क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। अब है आपका भविष्य काल यानी कि फ्यूचर, आपने अपने टेंसेस में पढ़ा हो ना फ्यूचर टेंस, तो जब आपका फ्यूचर में कोई भी काम होगा यानी कि जहाँ पे आपके शब्दों में ग आता है कि काम होगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं रात को पढ़ाई करूँगा मम्मी, मैं दिन में नहीं पढ़ रहा, ऐसे बोलते हैं ना, मैं शाम को पढ़ूंगा, यानी कि फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में, वो समय आपका 5 मिनट बाद भी आ सकता है, 10 मिनट बाद भी आ सकता है, 2 घंटे बाद भी, 10 दिन बाद भी, पर जो समय आने वाला है फ्यूचर में, तो आप उसके बारे में जब भी कब बात करते तो वो आपका भविष्य काल होगा। जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, ये मैंने समझा बताया था, ऐसे ही हम दिवाली मनाएंगे, फ्यूचर हो गया। तो ऐसे ही आपका ये जो है सेंटेंसेस, ये आपको भविष्य के बारे में बताते हैं। मैं कल आइसक्रीम खाऊंगा, मेरी मम्मी कल क्या बनाएगी, सैंडविच बनाएगी या कोई मिठाई बनाएगी, यानी कि फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में मम्मी ये काम करेगी, तो वो फ्यूचर है यानी कि काम आपका होगा, ठीक है। अंडों में से चूजे निकलेंगे, ठीक है, फ्यूचर हो गया। तो ऐसे ही जिन शब्दों से आपको पता चलता है कि जिन काम के आपके ये काम कब होंगे, बाद में होंगे, तो वो आपका क्या है, फ्यूचर। तो जो भी आपका क्रिया है वो 3 रूप में होती है, समझ में आया, पहली भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो आपको उनको सेंटेंसेस को, वाक्यों को पढ़ के ही पता चल जाएगा कि आपकी जो क्रिया है वो कब हो रही है और उसका काल क्या है। तो ऐसे ही आपको क्रिया के लिए इन शब्दों को पढ़ना होगा और फिर बताना होगा कि आपकी क्रिया कौन से काल में हो रही है। तो अभी हम थोड़े से एग्जांपल करते हैं, उनसे आपको पता चलेगा कि इन सेंटेंसेस में जो आपकी क्रिया है वो कौन से काल में हो रही है। अब ये सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, आपने इनको पढ़ना है और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा काल आया है, यानी कि क्रिया आपकी कब होएगी या हो चुकी है। शीला कल आएगी, यानी कि आएगी, आना, आना शब्द है ना आपका क्रिया, तो आना का हमने इसमें बता रहे हैं कि वो आएगी यानी कब आएगी, कल आएगी, यानी कि काम हुआ नहीं है ना हो रहा है, होगा, तो यानी कि ये कौन सा काल है, ये है आपका भविष्य काल। मैं दूध पी चुका हूँ, मैं दूध अभी नहीं पी रहा हूँ, मैं दूध पीऊंगा नहीं बोल रहे हम, मैं दूध ऑलरेडी पी चुका हूँ, यानी कि मैं अपना दूध पी चुका हूँ, यानी कि क्या हुआ, भूतकाल, यानी कि काम आपका हो चुका है, यानी कि पास्ट टेंस, भूतकाल। मैं खाना बना रही है, माँ जो है आपकी वो खाना बना रही है, यानी कि प्रेजेंट में आपकी मम्मी क्या कर रही है, किचन में खाना बना रही है, खाना बना रही है, क्या होगा आपका, यानी कि वर्तमान काल, काम आपका कोई भी है वो हो रहा है इस सेंटेंस में आपका, कि माँ जो है वो खाना बना रही है, यानी कि वर्तमान काल। बंदर ने केला खाया,
बंदर केला क्या है, खा चुका है, खाया मतलब पहले वो खा चुका है यानी कि उसने खा लिया है, तो क्या हुआ ये आपका हुआ भूतकाल। तो बच्चों ऐसे ही सेंटेंस आपको आएंगे और आपको उनसे पता चलाना है कि आपकी जो भी क्रिया है वो कब हो रही है, और ऐसे ही आपको क्रिया के बारे में और उसके काल के बारे में पता चलेगा। तो आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, जिससे कि आपको क्रिया और उसके काल के बारे में पता चलेगा। क्रिया आपने पहले भी पढ़ चुकी है, इसलिए अब आपके लिए नया टॉपिक है उसके काल, ठीक है। तो आपने अच्छे से वीडियो देखनी है और समझनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।